खबर है रीवा जिले से। शहर के अमैया थाना क्षेत्र में मारपीट कर लूट करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते दिनों इन बदमाशों का एक गिरोह द्वारिका नगर में एक सब्जी बेचने वाले व छात्र से मारपीट कर लूट करने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इन बदमाशों की तलाश जारी कर दी थी, जहां आज पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के द्वारिका नगर में मारपीट कर लूट करने वाले दोनों बदमाशों को अमैया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है वो चौंका देने वाली थी। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश नशे करने के लिए लोगों से मारपीट कर लूट जैसी घटना को अंजाम देते थे। ये बदमाश लोगों से पहले बेवजह बहस करते थे और फिर मारपीट करना चालू कर देते थे। उसके बाद मौका देखकर उनके साथ लूट करते थे और भाग जाते थे। जहां आज पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि बीते कुछ दिनों पहले एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में सामने आया था। संबंधित थाना पुलिस को कार्यवाही करने के निर्देश दिया गया था। आज पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश नशे करने के लिए लोगों से लूटपाट किया करते थे। लूट के दो आरोपियों को अमैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनकी एक्टिवा गाड़ी भी मिली है। इन लोगों ने नशे के लिए पैसे इकट्ठे करने के क्रम में इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक की पूछताछ में ये जानकारी आई है और जिस व्यक्ति का उन्होंने राशि लूटी थी और उनका आधार कार्ड वो भी उनसे जब्त हो गया है, तो अभी हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं किसी अन्य अपराध में उनकी संलिप्तता है क्या, पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसको देखने के पश्चात हम लोग उनको आज न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।